जिले के नंदनी व कुम्हारी थाना क्षेत्र में हुई नकबजनी में 3 मामले का खुलासा हुआ है। इस मामले में चोरी का मामला सामने आया है। गिरवी रखने वाले सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खुलासा एक पत्रकार वार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने शटर तोड़कर ज्वेलरी शॉप सहित अन्य दुकानों को अपना निशाना बनाया था। इस मामले में पुलिस ने चंदन हिल रायपुर निवासी संजय कुमार चौहान व कुम्हारी निवासी सूर्योत्तम सिंदूर को गिरफ्तार किया है, जबकि इसका एक साथी दीपक चौहान फरार है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से सोने चांदी के जेवरातों के साथ लगभग 2.5 लाख का मसूकरका जब्त किया है। पुलिस द्वारा 3 चोरियों का आज खुलासा किया गया। 2 सदस्य गिरोह द्वारा जो रायपुर निवासी हैं, उनके द्वारा पिछले 2 माह में पहले कुम्हारी थाना क्षेत्र में, उसके बाद सिरसा गेट के पास और तीसरी बार अहिवारा थाना क्षेत्र में इनके द्वारा जो है 3 अलग अलग चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया। कॉमन मॉडल अपरंडाई में ये रात में 2 बजे रायपुर से निकलते थे और 2:30 से 3 बजे के बीच में ये लोग अपनी चोरी को अंजाम देते थे। संभल से शटर है उसको साइड से टेढ़ा करते थे। एक आदमी अंदर घुसता था, चोरी करता था, दूसरा आदमी बाहर खड़ा होकर रेकी करता रहता था कि कोई व्यक्ति आ तो नहीं जाए। ये लोग अपना चेहरा ढक के रखते थे जिससे CCTV में इनकी पकड़ ना हो पाए। दुर्ग पुलिस ने हजारों CCTV को ध्यान से खंगालने के बाद, जब कुछ दूर जाने के बाद जब इनका चेहरा हटाते थे तब उनकी पहचान की गई और फिर इनको त्वरित कार्रवाई करते हुए एक को पकड़ा गया। उसके पास से 3 चोरी में लूटा हुआ चोरी किया गया 2.5 लाख का चांदी और कैश जो है वो जब्त किया गया। मास्टरमाइंड फरार है, उसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटनाक्रम में CCTV जो है वो चोर को पकड़ने में बहुत काम आया। मैं जनता से आग्रह करता हूँ कि वो अपने घर के अंदर, दुकानों के अंदर, घर के बाहर, दुकान के बाहर CCTV लगाएं, अच्छे क्वालिटी के CCTV लगाएं। CCTV उनके अपने सुरक्षा और अपने सामान की सुरक्षा के लिए बहुत काम आता है। सर बताएंगे कितने लोग थे चोरी करने? इसमें 2 लोग थे जो चोरी का इनका गिरोह था, एक तीसरा व्यक्ति था जो कि जिनके पास ये सामान देते थे गिरवी रखने के लिए। तो 3 सदस्य गिरोह था जिसमें कि 2 सदस्य को पकड़ा गया, एक अभी फरार है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।